अगर हम त्योहारों की बात करें, वो सुरक्षा कवच वाला टीका आपको मिल गया, लेकिन साथ ही साथ बाजारों और तमाम स्थलों पर किस तरह की सुरक्षा है, इसकी जिम्मेदारी अब फिलहाल दिल्ली पुलिस की जिम्मे है। तो त्योहारों को लेकर क्या एहतियात इंतजाम किए गए हैं, सुनीता बताइए। बिल्कुल, देखिए अब त्योहार इतना बड़ा है, खुशियां इतनी बड़ी हैं, तो तैयारियां भी उतने ही बड़े स्तर पर है। त्योहारों के मौके पर एक्स्ट्रा सावधानी की जरूरत तो होती ही है, इसलिए दिल्ली पुलिस ने चौकसी बढ़ा दी है। मॉक ड्रिल्स हो रहे हैं, होटल्स हो या दूसरे जो सार्वजनिक जगह है खासतौर पर, उसकी निगरानी भी हो रही है लगातार मॉनिटरिंग के साथ साथ। ये पूरी कवायद इसलिए कि खुशी में कोई खलल न डले। देखिए जरा, रोशनी का त्योहार और बाजार में बहार, धनतेरस और दिवाली में चंद दिन बचे हैं, इसका असर बाजार पर दिखने लगा है। चारों तरफ रौनक है, सजावट की तरह तरह की चीजें, तरह तरह के सामान से दुकानें भरी पड़ी हैं। दिवाली पर घर को रंगीन रोशनी से सजाने के लिए खूबसूरत लाइट्स के खरीदारों की भीड़ उमड़ने लगी है। ये दिल्ली का लाजपत राय मार्केट है, कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स के लेटेस्ट फैंसी आइटम्स सबसे पहले यहीं पहुंचते हैं, इसलिए खरीदारी के लिए लोग भी दूर दूर से आते हैं। पर त्योहार की खुशियों में खलल ना पड़े, अमन में कोई जहर ना खोल सके, इसके लिए पुलिस मुस्तैद है। त्योहारों के मद्देनजर दिल्ली पुलिस पिछले 1.5-2 महीने से तैयारी कर रही है, ताकि जो जनता है वो बहुत उत्साह से और खुशी के माहौल में त्यौहार मनाए। चूँकि बाज़ारों में और सड़कों पे भीड़ ज़्यादा होने वाली है, तो इसलिए सड़क पे पुलिस की प्रेजेंस ज़्यादा रहे, खास करके पीक आवर्स में। दिल्ली यूं तो हमेशा से ही सतर्क रहती है, पर धनतेरस और दिवाली को देखते हुए सिक्योरिटी के इंतजाम और बढ़ा दिए गए हैं। अपनी तैयारियों को दिल्ली पुलिस लगातार परख रही है। जिस चांदनी चौक में ये लाजपत राय मार्केट है, उसी से सटे सदर बाजार में आतंकी हमले से निपटने की तैयारियों का इम्तिहान लिया गया। मॉक ड्रिल के दौरान जवानों ने साबित कर दिया कि वो किसी भी खतरे का सामना करने को तैयार हैं। टेरर सिचुएशन वर्स कि एक बॉम्ब ब्लास्ट हुआ है और कुछ टेररिस्ट आए हैं, फायरिंग भी है और कुछ हॉस्टेजेस भी लिए हैं, 6-7 लोग इंजर्ड हैं। इमीडिएटली सारी एजेंसीज को, फायर, ट्रैफिक, आपके BDS, BDT, SWAT टीम, स्पेशल सेल, हमारी लोकल रिजर्व्स जितनी भी हैं नियर बाय पुलिस स्टेशन से, सारी अपनी अपनी पुलिस स्टेशन से स्टाफ लेके पहुंचे। सबका रिस्पांस टाइम बहुत अच्छा रहा, विद इन 10-12 मिनट्स सभी एजेंसीज ने रिस्पांस दिया, इंक्लूडिंग फायर, कैट्स। दिल्ली पुलिस की तैयारियां इस भरोसे को मजबूत कर रही हैं कि राजधानी की निगरानी में कोई कसर नहीं है, लेकिन लोगों को भी अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी। दिल्ली पुलिस की आंख कान बनना होगा, अगर कहीं भी कुछ भी संदिग्ध दिखे तो उसकी सूचना तुरंत पुलिस को दें। ये सजगता, ये सावधानी पुलिस के हाथ मजबूत करेगी और त्योहार में कोई भी खलल नहीं डाल पाएगा। दिल्ली से तंसीम हैदर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज़ टुडे।